बारह माह माज महला पंजवां पादो परम पुलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत पादो परम पुलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। ये बारह माह महाराज पंजवें पातशाही श्री गुरु अर्जन देव दे बारह माह का मकसद है बारह महीने बारह मौसम जैसे जैसे मौसम आते उस तरह गुरु साहब जी फरमाते महीनों का मकसद है साड़ा मनुष्य जन्म। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि पादों के महीनों के विच असी परम च पै जाने हाँ जो असी कर्मकांड करते हैं वो साढ़े शिंगार ने मालक दे मिलने वास्ते असी शिंगार कर रहे हैं लेकिन मालक इन्हां शिंगारां दे नाल मिलता नहीं। उसनों शिंगार कड़ा है जत सदा शरीर संदोख का जो शब्द व्यासी महापुरख शब्द की कमाई करते हैं उन्होंने वो शिंगार चाहिए। असी दुनिया के शिंगार करते हैं उस मालक दे मिलने वास्ते बार बार फिरते रहने हैं वो मालक जिस वास्ते असी शिंगार करते हैं वो मंजूर नहीं करता। तुसी ये सारे जानते हो अगर जे मंजूर करदा महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी उन्होंने 22 बार तीर्थ यात्रा की है 22 बार तीर्थ यात्रा की और कर्मकांड जग मोशे और भी काम करते रहे लेकिन उस शिंगार दे विचों बनया कुछ नहीं। फिर उन्होंने मुरशद के पास आना पिया मुरशद ने फिर सीधा राह दस दिता आ भाई अगे तू तीर्थां का इनान करना है हुण सानू इनान कराया कर। मंजूर कर लिया कुड़म कुड़म का पानी ढोवे बड़ा औखा है 6 मील जाना और 6 मील आना 12 मील रोज का सफर होता है 12 साल लग गए 12 साल के बाद उन्होंने जड़ा असल शिंगार सी सेवा भाव का मंजूर होया 12 साल के बाद उन्होंने अंदर शब्द प्रगट होया। फिर उन्होंने बाणी विच फरमाया है ऐस युग का धर्म पढ़ो पाई पूरे सतगुर सोझी पाई। फिर उन्होंने कहा भाई ऐस युग का धर्म पढ़ो सानू पूरे सतगुर ने सोझी पाई है इस तरह सानू कोई समझ नहीं आई। कई बार अगे भी दसिया है श्री सुखदेव जी वेद व्यास ऋषि के लड़के ने तपस्या की जंगल दे विच बहुत घोर तपस्या की तपस्या के जोर नाल स्वर्गों च पहुँच गया लेकिन स्वर्गों के मुख्तार ने उन्होंने स्वर्गों च नहीं रहन दिता
कि तेरा मुर्शिद कोई नहीं, तेरा मुर्शिद कोई नहीं, तू इतों वापस चला जा। वापस आ के फिर राजे जनक नु मुर्शिद बनाया। सो भाई जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। अस सानू ये महीना जड़ा मनुष्य जन्म मिलता है, असी ये भरम च पै जाने और जेड़े असी शिंगार करते हैं इन्हां शिंगारा नाल वो परमात्मा प्रभु नहीं मिल सकता। उसनों असल शिंगार चाहिए है, वो मिलने का शिंगार होर है। ये सानू दुनिया नू दिखलावा दसन वास्ते, दुनिया दे विच मशहूरी करन वास्ते, सानू मान वड्याई के बाद बाद सानू लोकी कहन के बड़े बड़े उच्चे है, बड़े अच्छे है, बड़े भगत ने, लेकिन बाणी नहीं मनदी। जिन्हां संतां ने अंदर देखिया और जिस रस्ते देखिया जो कम कीता है वो ही बाणी विच लिखदे है, वो नहीं मनदे। हाँ जी पादों पर ना पुलानिया दूजे लगा हेत लाख चिंगार बनाया कारज नहीं केत जित दिन देह बिन सची तेते वेले कैसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जमा किसे न देनी पेत। गुरु साहब जी इन्हां शिंगारां दे नाल अगला समा जिहड़ा आउण वाला वो दस रहे है कि भाई जब तेरी मौत आएगी तैनू जमदूत आके लै जाणगे, वो पकड़ के तेरी आत्मा नू कढ़ के लै जाणगे। जैसे जैसे कर्म कीते होणगे कर्मां दे मुताबिक सजा मिल जाएगी। चरासी चला जाएगा, नरकां चला जाएगा। जो कर्म कीते उत्थे लिहाज नहीं है, ना किसी की सिफारिश चलती है, ना कोई लिहाज करता है। जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है, जो असी कर्म करने उहदा अगे फायदा दस रहे है गुरु साहब। हाँ जी जित दिन देह बिन ससी जित वेले कैसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जमा किसे न देनी पेत छड़ खलोते खिने माए जिन सो लगा हेत हाथ मरोड़े तन कंपे स्याहो हो आसेत। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि दन तन भी एदा कंबेगा, हाथ मरोड़ेगा, उच्चा नीमा होवेगा, जमदूत मारनगे। लेकिन बंदगी बंदगी है, बाबे फरीद की माँ अंदर नवाज पढ़ रही सी, उन्हां दे घर च चोर आन बढ़िया। चोर आ गया, चोर अन्ना हो गया, जदों हन्ना हो गया उन्हों कुछ ना लभै ते कहिंदा माता मैनू बचा, मैनू अखां दे, मैं अन्ना हो गया, मैं चोर हाँ, चोरी करन आया सी, मैं भुल गया। बंदगी बंदगी होंदी है। उसने उन्हू रस्ते पाया, बाहर कढ़िया। सो बंदगी जड़ी बंदगी है उत्थे जमदूत नहीं आ सकते। जेड़े जीव बंदगी करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, वो जमदूत नहीं उस रस्ते आ सकते।
ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਸੋ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੇ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਜੀਓ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਛਿੜਿਆ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਏਗਾ। ਜਮਦੂਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡ ਖਲੋਤੇ ਕਿਨੇ ਮਾਏ ਜਿਨ ਸੋ ਲਗਾ ਹੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੰਪ ਸਿਆਹੋ ਸੇਤ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦਣਾ ਖੇਤ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸੀ, ਲੋਹਾ ਕੁਣ ਨਾ ਖਾਏ, ਬੁਲਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕਮਾਏ, ਕਬੂ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਰਤਾਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਜੇ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ,
एक गरीब मार ना करी, एक नेम कर आव ना होई, जा चोरी कर जाकर। वो चोर पातशाह दे ही चोरी करने वास्ते चला गया। पहले दरवाजा लंघिया, दरवाजे से गया तो पहरेदार ने पूछा, तू कौन है? बाबा सूट बूट पाया सी, जेंटलमैन बनया सी। कहिंदा मैं चोर हाँ। वो डर गया, शायद कोई पातशाह का नेलू होगा, चला गया। दूसरा दरवाजा लंघिया, पूछया उस पहरेदार ने, तू कौन है? कहिंदा मैं चोर हाँ। वो भी लंघ गया, जाके जो समान मिलिया, बता गठड़ी बदन लई, एक काले जे विच हाथ मारिया, उहदे च एक डब्बी पई सी। खोल के देखता है, उहदे च चूरणी सी, एक चूंडी भर के मूँह च पाया, ते सोचदा है कि बनया। मेरे मुरशद ने कहा, निम कर आम ना करी, हुण ते मैं इस माल नहीं लै सकदा, मैं निमक खा लिया है। वो गठड़ी बधी रही समान दी, वापस आ गया। पातशाह ने कई चोर मंगाए, मारकुट होना शुरू हो गई। फिर सोचता है कि मेरे मुर्शद ने कहा है कि गरीब मार ना करी, एक गरीब मार हो रही है। चला गया, महाराज चोरी मैं कीती है, मैं चोरी कीती है, इन्हां नूं छड़ दिओ। किस तरह तू, पातशाह ने पूछया, किस तरह तू चोरी कीती है, किस तरह उत्थे गया? कहिंदे मेरे मुर्शद ने मैनूं सिख्या दित्ती है, ये दो तीन मैनूं गुण दसे सी, कि एक झूठ नहीं बोलना, एक निमक राम नहीं होना, एक गरीब मार नहीं करनी। जाओ पुछो अपने पहरेदारा नूं कि मैं उन्होंने चोर नहीं किया कि मैं चोर हाँ। अपने जेड़े पहरेदार तुहाडे ने उन्होंने पुछ लो कि मैं चोर किया कि मैं चोर हाँ। फिर मैं पूछया पातशाह ने कि तू समान क्यों छड्या? कहिंदे मैं गाले विच डब्बी देखी, उहदे विचों एक चूंडी भर के मूँह च पाया, वह चूरन सी। मुर्शद ने कहा सी कि निमक राम नहीं करना, इस वास्ते मैं सारा माल छड आया। मैं उस माल नूं लिया नहीं, कि मुर्शद का वचन जिहड़ा है वह वचन मैं मनना है। हुण इन्हां गरीबां नूं ना तुसीं मारो, चोरी ते मैं कीती है। ये गरीब मार दस्सिया ही मेरे मुर्शद ने कि गरीब मार नहीं करना। चोर छड़ दिते, जितने भी सी मुर्शद नूं कहा, जने उस चोर नूं कहा कि तेरा मुर्शद है कित्थे है? कहिंदे ने जी मुर्शद मिल जाएगा, तुसी साध संगत दे विच आया करो। उस पातशाह दे औलाद नहीं सी, पातशाह दे औलाद कोई नहीं सी, साध संगत दे विच आया करो जी, कदी मुर्शद आपे मिल जाएगा। साध संगत दे विच पातशाह ने आना, एक दिन पातशाह दे अंदर बहुत प्यार पैदा होया। प्यार दियां छालां जिहड़ियां ने कदी कदी वजदियां ने, दरियावां दे हाड़ कदी कदी आउंदे आ, रोज़ नहीं आउंदे। पातशाह उठ के संगत दे विच अर्ज करन लगा कि साध संगत जी, मेरे हक विच उस परमात्मा अगे बेनती करो कि मेरा राज कौन सांभेगा, मेरे घर औलाद नहीं, मेरा राज कौन सांभेगा, मेरे घर तो कोई औलाद नहीं है, मेरे घर औलाद होनी चाहिए।
चले आया। एक साल दे बाद उहदे घर लड़की पैदा हुई। जो लड़की पैदा हुई तो पातशाह नूं सने पाम पहुँच गए, बधाइयां लगे लोकी देण कि तुहाडे लड़की पैदा हुई है जी। पातशाह कहिंदा नहीं, मेरे घर लड़का होया। देखो विश्वास पातशाह का केड्डा वड्डा हैगा। मेरे घर लड़का होया, सतसंगत की आवाज़ जिहड़ी आ उह इदां नहीं जा सकदी, सतसंगत झूठी नहीं हो सकती। मेरे घर लड़का होया, लड़की जवान हो गई। वजीर दीवाना नूं कहा कि जाओ किसी पातशाह दे मेरे लड़के का रिश्ता कराओ। हुण उह भी शर्म दे मारे जाण ना, पर पातशाह का हुक्म सी, करदे की। परेशान होए सारे कि लड़की लड़की नूं व्याहन जाएगी, असीं की करांगे। चला गए किसी पातशाह दे जाके, उन्होंने सगन सुगन पा लिया, जो भी करते रसम कर ली। वापस आ गए, जंज चढ़ पे घोड़ियां ते चले, लड़की भी घोड़े ते चढ़ गई। लड़की घोड़े दे अगे कोई जानवर अगे आ गया, लड़की ने ज्यों घोड़ा दबाड़िया वो जानवर जंगल च जा वड़िया, ते लड़की भी नाल ही जंगल च चला गई। अगे एक महापुरखां दी कुठिया सी, उत्थे संगत बैठी सी ते सत्संग हो रहा सी। सत्संग हो रहा सी, लड़की ने घोड़ा बद्धा उहदे च बैठ गई। जदों सत्संग समाप्त होया, प्रसाद वंडिया, तो महापुरखां ने कहा लैव लड़किया तुम्हें प्रसाद। वो लड़की का लड़का बन गया, सब तब्दीली हो गई। चला गए ब्याह वास्ते, पर जितनी भी जानी सी सब परेशान, भेद किसे नूं नहीं। अगे शिकायतां चला गई अगले घर, तुसी लड़की नूं लड़की ब्याह आई है, जरा सोच के गल करनी। उन्होंने कहा कि साढ़े रिसम है कि लड़के नूं एक वक्त कल्ले कमरे दे विच शनान कराउणा। पातशाह ने कहा करा लो, मेरा लड़का है, करा लो तुसी। पातशाह नूं अंत समय तक उसने लड़की नहीं कहा, लड़का ही कहा। अपना विश्वास नहीं तोड़िया उसने कि सतसंग की आवाज़ जिहड़ी है एक कदी भी नहीं घट हो सकती, जो साध संगत ने कहा यही होना है। जदों लड़के नूं कमरे विच लै गए, कपड़े खिलाए, शनान कराण लगे, वो पातशाह का लड़का खूबसूरत, सारे शर्मिंदे हो गए कि किसी ने ये देखो कितनी साढ़े नाल गलती करन लगा सी, शिकायत की है, ये लड़का तो बहुत खूबसूरत है। सो ब्याह होया, आदि वापस घर आ गए। पातशाह ने ऐत समय तक घर आउंदियां तक लड़का ही लड़का कहा, उसने नहीं कहा कि लड़की हैगी। पातशाह का विश्वास जड़ा पूरा रहा। इस वास्ते सार संगत जड़ी होंदी है, इहदी बड़ी उच्ची आवाज़ होंदी है। पिछले जमानियां दे विच तुसी जानदे हो कि पांच बंदे जड़ा फैसला करदे सी उहनूं कहिंदे पंजां च परमेश्वर हुंदा, ते जिथे हज़ारां होण परमेश्वर किन्ना करिया जांदा, उत्थे उहनां च सारयां च परमेश्वर ही हो जांदा, फिर वो सारा ही परमेश्वर हो जांदा। पर नेक निजत होवे, अच्छे होण, विश्वास भी होवे। पातशाह ने विश्वास कीता, उहदा विश्वास जड़ा वो कम कर गया। इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे है, ठीक है, साडा साध संगत दे नाल विश्वास चाहिदा और साध संगत दा भी विश्वास चाहिदा, फिर ही साडी गड़ी रड़दी है। इदा नहीं, गुरु साहब जी जिन्हां दे दरबार विच बैठे आ, उन्होंने एक बार ये वचन कहा सी कि विश्वास दियां बेड़ियां पार।
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧਣਾ ਖੇਤ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਏ ਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ ਸੇ ਪਾਦੋ ਨਰਕਨ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ ਸੇ ਪਾਦੋ ਨਰਕਨ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਕਾਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸੀ, ਲੋਹਾ ਕੁਣ ਨਾ ਖਾਏ, ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਭਲਾ ਭਗਤ ਕਮਾਏ ਕਬੂ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਭਲਾ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਏ ਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ ਸੇ ਪਾਦੋ ਨਰਕਨ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਨੇ। 12 ਮਾਹ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ 12 ਮੌਸਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਆਦਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਮ 'ਚ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਣੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ,
असुन प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन करे कोई आन मिलावे माए संत सहाई प्रेम के हो तिनके लगा पाए बिन प्रभ क्यों सुख पाई दूजी नहीं जाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है संत सहाई प्रेम के। साडे अंदर प्रेम आउंदा है परमात्मा दे मिलन दा, लेकिन वह प्यार साडा दुनिया च लग जांदा। जब तक सानू कोई संत महापुरख मिलता नहीं वो साडा प्यार किसे काम च आउंदा नहीं। प्यार साडे च हर के बंदे च आउंदा है लेकिन दुनिया दे विच मिक्स हो जाता है। जब कोई महापुरख मिल जाएगा वो सानू तरीका दस देगा कि भाई उस प्रभु दे मिलन वास्ते आओ तैनू रस्ता दसीए, वो सानू सीधा रस्ता दसेगा। जब असी उस रस्ते चलन की कोशिश करांगे मेहनत करांगे हो सकता है कभी ना कभी असी भी मिल जाइए। कोई ऐसी गल नहीं, तुरिया बंदा पहुँच जाता है, जड़ा तुरदा नहीं उन्हें पहुँचना की है। तुरिया बंदा कदी ना कदी पहुँच जाता है, लेकिन रस्ता होना चाहिए, उस रस्ते तुरना चाहिए। असी रस्ते किसी होर तुर पईए तो फिर असी नहीं पहुँच सकते। कई बार अगे भी दसिया कि शहरों के विच तुसी देखो शहरों के नाल किन्नियां सड़कां रलदियाँ, एक सड़क जेल खाने में जाती है, एक सड़क अदालत में जाती है, कुछ सड़क बाजार जांदियां ने। हुण जो जो असी कर्म किया है, अगर असी जेल का कम किया है तो असी उस सड़के जावे, बाजार वाली सड़के नहीं असी जा सकते। ना असी कुछ खा पी सकते हैं, ना असी कोई देख सकते हैं, असी सीधे जेल च चले जावे। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि जब भी संत महापुरख मिलते हैं वो सानू रस्ता दस देंगे कि इस रस्ते चलन की कोशिश कर। जदों असी उस रस्ते चलांगे कदी ना कदी जरूर असी अपनी मजले मकसूद ते पहुँच जावांगे। असी रह नहीं सकते, तुरिया बंदा चला जाता है पहुँच जाता है, बैठा नहीं पहुँच सकता। हाँ जी, संत साई प्रेम के हो तिनके लगा पाए बिन प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नहीं जाए। सुख दे बारे गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि बगैर उस प्रभु दे, बगैर उस मालिक दे असी सुख नहीं लै सकते। सुख दे घर नहीं असी जा सकते, असी दुखां दे जिस तरह गुरु साहब जी फरमाउंदे आ जट कि करां दियां क्यारियां बीजदा है, चाहुंदा है कि मैनूं सेऊ नाखां मिल जाण। कि करां दियां क्यारियां जो सेऊ नाखां कितना मिलणगे, भाव की है कि बुरे कर्म करके सानू सुख मिल जाए तो कितों मिलेगा। उन कत के रेशमी कपड़े पहनने साड़ी आराधना है, खास है साड़ी, सानू कितों मिलनगे, सानू उसे उनदे मिलनगे, रेशमी नहीं मिल सकते। मकसद यह है कि जेड़े कर्म असी करांगे वो कर्मां दे नाल ही सानू साक्षात मिलना है, सुख दुख जो मिलना है। सुख दुख करते तुर लिख पाया, सुख या दुख जेड़ा है वो साडा करता जदों असी काम करते हैं तो साड़ियाँ फैलां उपर चला जांदियां ने, उपरों फैसला होकर फिर थले आ जांदियां ने।
जे सुख है तो सुख मिल जाएगा, दुख है तो दुख मिल जाएगा। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि बगैर सतगुर दे, बगैर महापुरखों के सानू सुख नहीं मिल सकता। हाँ जी, संत साई प्रेम के हाँ तिनके लगा पाए, बिन प्रभ का सुख पाइए दूजी नहीं जाए। जिनी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए, आप त्याग बेनती करें ले ओ प्रभु लड़ लाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जिन्हां ने भाई सुख पाया है उन्हें मुरशद पासों पाया। भीखे फकीर ने फरमाया, भीखा साधु वो चाहिए दुखे ना दिखाए, फल फूल छेड़े ना रहे बगीचे माए। ऐसे दुनिया विच रहे, ऐस दुनिया दे फल फूल की ने विषय बकार गलत काम, ये फल फूल ना छेड़े रहे बगीचे माए। जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे हैं, संतां दी बाणी इको होंदी है, उन्हां दे नाल बाणी रलदी है। मुड़ के पढ़ो, जिनी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए। जिनी जिनी दसिया, जिनी लफज जेड़ा ये मुश्तरक का लफज, ये किसी एक का नाम नहीं, ये बहुत सारे दिन आ जाते हैं, कोई भी हो सकता है। जिन्होंने वो प्रेम रस चख्या है वो दिन रात उस प्रेम दे रस विच ही रहिंदे है, और उस दे अंदर शांति प्यार मुहब्बत, उदे अंदर दर्द होएगा, उदे अंदर बड़ा प्यार होएगा। जिसने वो चख लिया है भाई, उसनों चखना कोई सौखी गल नहीं। महाराज तीसरी पातशाही ने उस रस चखिया, लेकिन 12 साल दे बाद उन्हां नूं वो रस मिलिया, फिर उन्हां खुशियां मनाईया। चौथी पातशाही गुरु रामदास नूं 70 बार चौंदरे बनाए, आखिर अपने आप नूं बै कर दिता, ये मेरा शरीर नहीं, मेरे सतगुर दा शरीर है। वो रस फिर उन्हां नूं मिलिया। कई बार अगे भी दसिया है कि गुरु नानक देव दे वक्त भाई लैणा उन्हां दे पास सी, अद्धी रात दा समा सी, पो माघ दीआं रातां, गुरु साहब ने सारे अपने लागे लागे जिहड़े प्रेमी सदे, क्या भी लाओ मेरे कपड़े धो के लियाओ, रावी दे कंडे चले जाओ, सका के लियावियो। कोई ना उठिया, भाई लैणा उठिया, उसने नहीं कुछ भी सोचिया। इत्थे सोच साड़ी जड़ी है वो काम नहीं करती, साड़ी सोच सानू थले नू लै जांदी है, उपर नू नहीं ले सकती। साड़ी सोच सानू डाउन कर सकती है, सोच सानू सतगुर दी चाहिदी है। कपड़े लै के चला गया, जद रावी दे किनारे गया, हाड़ जेड़ दे जिस तरह गर्मी होंदी है, दोपहर का समा होंदा, इस तरह गर्मी सी, कपड़े साफ कीते, साफ करके सका के लै के आ रहा सी। फिर शहर दे विच बड़ा नेरा सी, रात सी, बरातां बहुत होंदियां ने, आके इस तरह दरवाजा टकोरिया गुरु साहब दे, अंदरों आवाज़ दी कि तू कौन है।
बोलिया नहीं, अंदर वराग सी, प्यार सी, अंदर बोलिया नहीं। सोचता कि मैं की करा, बंदे नू सोच भी उस वक्त ही आ सकती है कि जदों भजन करेगा, अंदर दा रस लेगा, उसले बोलन दी सोच आउंदी है, नहीं तो बोलन दी सोच नहीं आउंदी। फिर दरवाजा टकोरिया, फिर गुरु साहब ने कहा कि तू कौन है, बोलिया फिर भी नहीं। गुरु साहब ने उठ के आपे दरवाजा खोलिया, देखिया भाई लैणा कि मैं किन्निया आवाजा मारियां, तू बोलिया नहीं, रो पिया। महाराज मैं की दसदा तुहानू, तुसी जो पुछदे सी मैं दस नहीं सी सकदा, तुसी पुछदे कि तू कौन है, मेरा पता तुहानू है कि मैं कौन हाँ, मैनू नहीं पता मैं कौन हाँ, मैनू कोई समझ नहीं कि मैं कौन हाँ, जे मैनू पता होंदा मैं कौन हाँ तो मैं तुहानू दस दिंदा। रो पिया, गुरु साहब ने गल ना ला लिया, भाई लैणिया तू साडे पासों कुछ लैना है, असी तेरा कुछ देना है। देखो केडी वड्डी विचार है कि भेजिया जे साडे वर्गा अबल तो कोई, इस वेले असी साखियां भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, हो सकता ना ही कोई जावे, जे जावेगा तो कहेगा नहीं भी हुण तुसी भेजिया ते हुणे तुसी सानू कहिंदे कौन है, बोल नहीं सकिया। यही गुरु साहब नू कहा कि जो कोई तुसी कहिंदे सी मैनू समझ नहीं आउंदी कि मैं कहां की हूँ, ते मेरा पता ते तुहानू है, मैनू ते कोई पता नहीं हैगा कि मैं कौन हैगा। जिहदे अंदर वह रस आउंदा है उहदी हर चीज़ तब्दील हो जाती है, उहदा बोलना भी रस दे नाल ही हुंदा है। नहीं तो यह मन साडा जिहड़ा साडे अंदर वसदा है, साडी बोली बदल दिंदा है, ये अपने हिसाब से लै आउंदा है, सानू कोई समझ नहीं आउंदी। सानू इत्थे अकल की जरूरत नहीं, किसी होर चीज़ की जरूरत नहीं, साडियां अकलां सानू डाउन करदियां ने। पिछे इतिहास पढ़ो, किसी ने अकल रखी है, जदों गुरु साहब ने कहा सी ए मुर्दा खाओ तो कौन उठाया सी मुर्दा खाण वास्ते, उस वेले भी भाई लैणा ही उठाया सी मुर्दा खाण वास्ते, जदों परदे उहदे उत्तों परदा चक्किया तो 36 पदार्थ निकले सन। जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे, वो अंदर दा रस जिहड़ा भाई जिन्हों मिल जाता वो भुलदा नहीं, उहदी हर चीज़ बदल जाती है। हाँ जी, जो हर कंत मिला से बिचर कतू ना जाए, प्रगण दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, कह प्रभु तेरे बिना होर कोई दूजा तो है नहीं, असी किदे अगे फरियाद करिए, किदे अगे असी फरियाद करिए, असी तेरे बिना तो होर कोई देखिया नहीं, तो ना ही दूजा कोई है। देखो संतां दा प्यार कितना हैगा, सब कुछ छड के एक पासे ते हो जांदे है जो, किड्डी उच्ची बाणी हैगी है, एक एक लफ्ज़ सानू समझा रहा है, ना सानू समझ आवे तो संत की करन। बाणी जी दस्या है सत्संग सतगुर क्या करे जो सिखण माए चूक, अंधे एक ना लगे क्यों बांस बजाई फूक। सतगुर की करे जदों असी मनना नहीं, एक कन सुनी दूजे असी लंघा देने है, तो उत्थे सतगुर की करेगा, सत्संग की करेगा। जिन्हां ने मन्या और जिन्हां ने काम किया है उन्हां दियां साखियां तुसीं सुणदे, उन्हां दे कैसे कैसे ख्याल हो गए, किस तरह के हो गए,
ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਸੇ ਵਿਚਣ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸ਼ਰਣਾਏ, ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦਿਆ ਜਿਨਾ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦਿਆ ਜਿਨਾ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕ 'ਚ ਕੀ ਫੁਰਮਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦਿਆ, ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸੁਖੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਸੁਖ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਰਮਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਧਨ ਬੈਂਤੇ ਅਤੀ ਦੁਖੀ ਨਿਰਧਨ ਦੁੱਖ ਕਾ ਰੂਪ, ਸਾਧ ਸੁਖੀ ਸਹਿਜੋ ਕੇ ਪਾਇਆ ਭੇਦੇ ਅਨੂਪ। ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਸਾਧੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਸਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਰੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸ਼ਰਣਾਏ, ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੈਂਦਿਆ ਜਿਨਾ ਮਾਇਆ ਹਰ